Assalamualaikum everyone, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मैंने कहा क्यों ना न्यू ईयर की न्यू वीडियो के साथ कोई ऐसी वीडियो के साथ स्टार्ट किया जाए जो सबके लिए फायदेमंद हो। बिगनर्स के लिए मेकअप या अफोर्डेबल मेकअप, या आप बिगनर नहीं भी हैं तब भी आप चाह रहे हैं कि आपके पास ऐसा कलेक्शन हो जिससे आप रोजाना की अपनी रूटीन मेकअप की कर सकें और वो अफोर्डेबल प्राइस में हो, सबसे बड़ी बात। और दूसरा ये कि अब तो बिगनर्स के लिए बेतहाशा वीडियोस हैं, लेकिन फिर भी हम इधर से एक चीज उठाई, उधर से एक चीज उठाई, ये चीज उसके ऊपर पसंद आई, वो भी ले ली, लेकिन फाइनली हमारा अपना कलेक्शन जो है उसमें स्टिल कुछ चीजें हैं अभी भी मिसिंग है। अरे ये सब तो है लेकिन फाइनली मेरे पास वो चीज नहीं है। तो मैंने कहा क्यों ना एक ही वीडियो में बिगनर्स के साथ साथ उन लोगों के लिए भी जो अपना एक कंप्लीट कलेक्शन करना चाह रहे हैं मेकअप का अफोर्डेबल प्राइस में, उनके लिए एक वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको दिखाया जाए ए टू जेड प्राइमर टू लिपस्टिक, लास्ट स्टेप जो हमारा होता है मेकअप का, सबके बारे में बताया जाए और अफोर्डेबल प्राइस के साथ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो जनाब बातें कम, क्योंकि मैंने काफी सारी चीजें आपको दिखानी है और काफी सारे ऑप्शंस देने हैं, तो मैंने कहा बातें कम और चीजें दिखाई ज्यादा जाए। तो हमारा पहला स्टेप होता है प्राइमर। प्राइमर में बेतहाशा प्राइमर है। सबसे पहले जो मेरे पसंदीदा है वो निक्स का पोर फिलर है। आपके पोर्स हैं और आपको साथ साथ ऑयली स्किन भी है तो ये आपके लिए बेहतरीन है। नेक्स्ट हमारा आता है रिमेल का मैट फिनिश, ये भी बहुत बेहतरीन है ऑयली स्किन वालों के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एला गर्ल का प्रो हाई डेफिनेशन, ये भी एक बेहतरीन है और ऑल टाइप स्किन के लिए है। उसके बाद फिर जो है रिमल का है ये मैट फिनिश, एक दफा फिर ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन है प्राइमर का। उसके बाद मेकअप रेवोल्यूशन की भी मैं इस वीडियो में बार बार बात करूंगी, क्योंकि इनकी क्वालिटी वाइज और प्राइस वाइज बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, तो ये भी एक प्राइमर है मेकअप रेवोल्यूशन का। और लास्ट प्राइमर है ये मेबेलिन का बेबी स्किन, ये मेरे ख्याल से तकरीबन सबको ही पता होगा, लेकिन एक बेहतरीन प्राइमर है। लास्ट में मैं भूल गई जो कि मैंने पिछले दिनों ही ट्राई किया था, वो निक्स की ये पोर फिलर टारगेटिंग स्टिक है। इस वीडियो में जो भी मैं प्रोडक्ट्स आपको दिखा रही हूँ वो बेहतरीन है, आप अगर ये लेते हैं तो ये वर्थ बाइंग है, ये भी एक चीज मैं आपको मेंशन करना चाहती हूँ। यही नहीं है कि सिर्फ मैं आपको ऑप्शन दूं और फाइनली वो चीज आपको सूट ना करे, या फाइनली वो चीज आपको पसंद ही ना आए, या वो अच्छी क्वालिटी की ना हो। मैं सारी चीजें जो आपको दिखा रही हूँ वो बहुत बेहतरीन क्वालिटी की और बहुत बेहतरीन रिजल्ट देती है। मेरी बहुत सारी वीडियोज हैं जैसे कि प्राइमर के साथ साथ फाउंडेशन जो नेक्स्ट अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ उसके ऊपर मैं रिव्यूज भी काफी सारे दे चुकी हूँ। तो सबसे पहला फाउंडेशन जो है जिसके साथ हम स्टार्ट करेंगे, अच्छा ये ऑल टाइप स्किन के लिए है और ये है एला गर्ल का प्रो कवरेज हाई डेफिनेशन, तो ये मीडियम टू फुल कवरेज देता है। उसके बाद अगर आपकी सिर्फ ड्राई स्किन है तो फिट मी में दो फाउंडेशन है, एक मैट फिनिश है और एक ये डुई फिनिश है। तो अगर सिर्फ आपकी ड्राई स्किन के ऊपर आप फोकस करना चाह रहे हैं तो ये फिट मी का बेहतरीन फाउंडेशन है। नेक्स्ट है ये वेट एंड वाइल्ड का बेहतरीन फाउंडेशन, सुपर रिजल्ट है इसका। उसके बाद ये निक्स का है बॉर्न टू ग्लो, इसका ये बेहतरीन रिजल्ट है, मैंने रिव्यू भी आपको दिया है इसका। लास्ट जो है ये सुपर स्टे मेबेलिन का फाउंडेशन है, मैंने पिछले दिनों ही रिव्यू दिया है सुपर स्टे फुल कवरेज, हाँ फुल कवरेज फाउंडेशन 24 आवर, मेबेलिन का है ये। और इसके अलावा इनफेलिबल जो है लॉरियल का, वो अभी मेरे पास मैंने अपनी कहाँ रखा है मुझे मिल नहीं रहा, वो भी बेहतरीन है अगर आप ट्राई करना चाह रहे हैं लॉरियल का कोई फाउंडेशन। तो एक चीज और जो मेंशन करना मैं भूल गई, वो फाउंडेशन से पहले ही आती है, खैर हम बात तो सारी मेकअप की कर रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप अपने नोट पे लिख लीजिएगा, वो है ये करेक्टिंग किट। ये है इनफाइएबल टोटल कवर लॉरियल की करेक्टिंग किट, लेकिन बेतहाशा आपको मिलती है, महंगी हो तो अच्छी है। इसके अंदर बस आपने ये देखना कि क्रीमी हो और अच्छे से ब्लेंडेबल हो, और अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं मतलब कि बिगनर्स हैं तो आप इस तरह की किट्स लेंगे तो आपको वर्थ है। अब हम बात करेंगे कंसीलर्स की, तो कंसीलर्स जो है हम शुरू करेंगे नॉर्मल कवरेज टू हाई कवरेज। तो नॉर्मल में जो है जो दो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, एक तो इतना है कि वो इंटरनेशनली तौर पे हर जगह उसको सबको पता है, सबने यूज किया हुआ है, वो है हमारा मेबेलिन का इंस्टेंट एंटी एज द इरेजर आई, और शेड है मेरा न्यूड। ये मेरे हाथ से तकरीबन सबने यूज किया, लेकिन ये एक दफा फिर एवरीडे मेकअप, बहुत लाइट कवरेज है इसकी और बहुत नेचुरल मेकअप के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है मेबेलिन का फिट मी कंसीलर, ये भी एक नॉर्मल कवरेज है, शेड है मेरा 20।
उसके बाद थोड़ी नॉर्मल से ऊपर की तरफ कवरेज में आते हैं तो ये है बॉन्ड, वो है ये निक्स का बॉन्ड टू ग्लो मीडियम बेज है मेरा शेड। उसी रेंज में आता है वेट एंड वाइल्ड का ये कंसीलर और मेरा शेड है लाइट बेज। और नेक्स्ट जो आते हैं टार्ट की टक्कर पे, मैंने इसके ऊपर मेकअप रेवोल्यूशन का है फर्स्ट, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो भी दे चुकी हूँ, प्लीज जाके चेक करें मेरे रिव्यूज की जो वीडियोस हैं उसमें या फर्स्ट इंप्रेशन पे या ड्यूप वीडियोस भी हैं उसके अंदर में भी ये होगा। तो ये है मेकअप रेवोल्यूशन का कंसील एंड डिफाइन C8। और नेक्स्ट जो लास्ट है वो मेरा मस्ट फेवरेट आजकल चल रहा है, वो है ये लॉरियल का अनफेयबल मोर देन कंसीलर। प्राइमर हो गया, फाउंडेशन हो गया, कंसीलर हो गया, उसके बाद जाहिर सी बातें बारी आती है इन सबको सेट करने की। तो सेट करने के लिए हमें चाहिए होते हैं सेटिंग पाउडर, और सेटिंग पाउडर जो है उस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियोज मैं वीडियो बना चुकी हूँ, वो है ये मेरा मोस्ट फेवरेट निक्स का कांट स्टॉप वॉन्ट स्टॉप, ये है ट्रांसलूसेंट शेड है। उसके अलावा अगर आप इस तरह का पसंद नहीं करते तो आपके अपने शेड का भी कलर में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा ये एला गर्ल का है लूज पाउडर और शेड अगेन है ट्रांसलूसेंट। मुझे ट्रांसपेरेंट जो है शेड ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो मैं उसी के अंदर ज़्यादा लेती हूँ। उसके अलावा मेकअप रेवोल्यूशन का है ये अगेन ट्रांसलूसेंट शेड है। नेक्स्ट जो है ये नोट कंपनी का है सेटिंग पाउडर, शेड है सैंड 04, ये देखें। और इसको भी मैंने बहुत यूज़ किया है अपनी मेकअप को सेट करने के लिए। मुझे ये नहीं पता कि ये अफोर्डेबल में आता है या नहीं, लेकिन एक ये रेफरेंस है कि ये आपको बहुत आसानी से मिल जाए। हो सकता है कुछ इस तरह की ये जो प्रोडक्ट्स मैंने दिखाई हैं आपको नहीं मिले, लेकिन इसका तो आप गारंटी ले सकते हैं कि आपको आसानी से पाकिस्तान में मिल जाएगा। नॉर्मली सेटिंग स्प्रे जो है हम लास्ट स्टेप में करते हैं, लेकिन मैं जो हूँ अपना जब मेकअप करती हूँ तो जब ये सब कुछ लगा लेती हूँ जो कि मैंने अभी अब तक आपको दिखाया है, तो उसके बाद भी मैं सेटिंग स्प्रे लगाती हूँ और लास्ट में भी एक दफा फिर एक फाइनल टच देती हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने हिसाब से जिस तरह मैं मेकअप करती हूँ उस तरह के स्टेप के साथ आपको दिखाया जाए। तो सेटिंग स्प्रे है जो कि 3 है और मुझे लगता है कि ये बेहतरीन है। और चीज भी यहाँ पे मैं मेंशन करने चाहूंगी, सेटिंग पाउडर हो गया या सेटिंग स्प्रे हो गया, आपको अगर बहुत ही सस्ता एक सेटिंग पाउडर मिल रहा है या सेटिंग स्प्रे मिल रहा है और दोनों चीजें जो है आपके मेकअप को बहुत अच्छे से सेट कर रही हैं, तो आप उसी को लें। आपको जरूरी नहीं है कि आप दूसरी तरफ जाएं या थोड़ा सा और महंगा लें, आपको सस्ते में भी बाद में अच्छी चीज मिल सकती है। ये ऑप्शन ड्रग स्टोर के हैं तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले तो मेकअप रेवोल्यूशन का ये बेहतरीन सेटिंग स्प्रे है, नाम है एग्जैक्टली इसका प्रो फिक्स ऑयल कंट्रोल फिक्सिंग स्प्रे। नेक्स्ट है ये एला गर्ल का प्रो सेटिंग HD हाई डेफिनेशन सेटिंग स्प्रे लॉन्ग लास्टिंग मैट फिनिश। तो ये छोटा सा है लेकिन बड़े काम की चीज है। लास्ट जो है ये आता है निक्स का मैट फिनिश है ये सेटिंग स्प्रे, बहुत बेहतरीन है। नेक्स्ट हमारी बारी आती है कंटूरिंग ब्लश एंड हाइलाइटर। इस सबको एक साथ ही मैंने कहा कि एक साथ ही बात कर लेनी चाहिए और एक साथ ही आपको टिप्स समझ लेनी है जिसके साथ आपको फायदा हो सकता है। अच्छा, जब हम बात करते हैं कंटूरिंग ब्लश एंड हाइलाइटर की तो इस टाइप की किट्स आती हैं, ये एला गर्ल की है और ये इस तरह की है कुछ। इसके अंदर दो ऑप्शन है ब्लश के, हमारी कंटूरिंग है और हमारा हाइलाइटर है, ठीक है ना। तो ये इस तरह की अगर आपको किट मिल रही है, मैं कहूंगी आप इस तरह की किट्स लें, आपकी बचत है और आपके पास एक कंप्लीट किट है जिसके अंदर सब कुछ है। अगर आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ब्लश चाहिए तो ये रिवाज की किट है, इसके ऊपर मैं रिव्यू भी दे चुकी हूँ ऑलरेडी। और किट जो है कुछ इस तरह की है, मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत सारे कलर है और बहुत बेहतरीन कलर है। एक ये ऑप्शन भी है अगर आप चाह रहे हैं कि काफी सारे ब्लश हों तो रिवाज की किट इज बेस्ट। ये ब्रांड्स है मेबेलिन और लॉरियल वगैरह, वो भी नहीं, आपका लोकल ब्रांड भी आपको बड़ा काम दे सकता है, ये भी ध्यान में रख के आपने चलना है। उसके बाद ये निक्स का इस तरह का पैलेट आता है जिसके अंदर मैं आपको करीब से दिखाती हूँ क्योंकि ये बड़ी मजेदार सी चीज है। ये है ब्लश पैलेट, ठीक है, लेकिन इसके अंदर के जो कलर्स हैं वो आप
आई पैलेट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के भी पैलेट आप, जिस तरह के रिवाज के मैंने आपको कलर दिखाए, वो एक साथ आप ब्लश भी यूज कर सकते हैं, आई पैलेट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम बिगनर हैं, हमें अभी कंटूरिंग नहीं आ रही है, सिर्फ हमें ब्लश और हाईलाइटर ही चाहिए, तो इस तरह की छोटी किट्स भी आती हैं। ये एल्फ कंपनी की है, इसमें एक तरफ हाईलाइटर है और एक तरफ ब्लश है। बिगनर के साथ साथ उनकी भी, जिनको अपना जो है एक छोटा सा किट, मेकअप किट बनाना है कंप्लीट, तो उसमें फिर इस तरह के पैलेट भी आते हैं, जो कि है हाईलाइट एंड कंटूर पैलेट। और इसमें जो है कंटूरिंग के काफी सारे कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं। जैसे आपने यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन करना है, यहाँ पे लाइट कंटूरिंग करनी है, या यहाँ पे हल्की करनी है, यहाँ पे थोड़ी डार्क करनी है, तो ये आपके पास कलर्स ऑप्शन है। साथ साथ हाईलाइट जो है यहाँ पे, जैसे बेकिंग करते हुए हम लगाते हैं जो कलर, वो है अंडर आई की तरफ, ये बनाना टाइप कलर है, तो ये कंप्लीट किट है। उसके अलावा अगर आप कंटूर और हाईलाइट एक साथ लेना चाह रहे हैं, तो जैसे ये हाईलाइट हो गया, ये कंटूर हो गया, इस तरह की भी किट्स मिलती हैं। ये है सिल्क की, प्रॉब्लम है पाउडर के साथ, और आपको क्रीम जो है कंटूर वो स्टिक ज्यादा अच्छी लगती है, तो उसके अंदर तीन ऑप्शन है मेरे पास। फर्स्ट जो है ये मेकअप रेवोल्यूशन की है स्टिक, और ये है F14। लास्ट जो दो हैं वो मेबेलिन की हैं, एक है फिट मी कोकोनट मुका 355, और नेक्स्ट उसके बाद है मास्टर कंटूर बाय फेस स्टूडियो मेबेलिन, और शेड है मीडियम। इसके अंदर जो है ये 2-in-1 है, इसके अंदर आपको कंटूर यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे हाईलाइट मिलेगा, तो दोनों हैं, लेकिन मुझे इस तरह की ज़्यादा पसंद नहीं है, और मैं बिगनर्स को भी नहीं करूंगी, क्योंकि ये जो है लगाने में थोड़ा सा मुश्किल होती है। इसके साथ सारी किट्स के बारे में बात की, तो हाईलाइटर किट के बारे में मैं क्यों ना बात करूं, और खासतौर पे एक अच्छी हाईलाइटर किट जो कि मेरे पास है वो है मेकअप रेवोल्यूशन की, और ये है सोफिक्स हाईलाइटर पैलेट। और अगर आप बहुत शौकीन हैं हाईलाइटर के और आप चाह रहे हैं कि आपके पास काफ़ी सारे कलर्स हों उसके अंदर, तो इस तरह की किट्स भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे आपके पास तरह के हाईलाइटर हैं। अब हम बात करेंगे आई शेडो पैलेट्स की, तो इसके अंदर चाहे आप बिगनर हैं या चाहे आप अपना जो है एक मेकअप किट कंप्लीट करने जा रहे हैं, उसके अंदर आपने दो चीज़ें जो है वो देखनी है। एक तो आपने इंडिविजुअल नहीं लें, आप एक पैलेट्स लें, न्यूट्रल पैलेट जो कि रोज़मर्रा में इस्तेमाल करने के लिए, और एक थोड़ा सा कलर वाला। इस तरह ये होगा कि आपके कलरफुल के अंदर आप न्यूट्रल को मिक्स एंड मैच कर लेंगे, और अगर आप रोज़मर्रा में सिर्फ न्यूट्रल लगाना चाह रहे हैं तो वो भी आपके पास पैलेट होगा। तो जो मैं दिखाऊंगी वो आपको एक बेहतरीन एग्जांपल दिखाऊंगी, और एक सस्ते ऑप्शन के साथ, वो है ये वेट एंड वाइल्ड की दोनों किट्स, और एक है माय ग्लैमर स्क्वाड, और एक है स्टॉप प्लेइंग सेफ। तो ये जो है एक न्यूट्रल आपके पास एक ऑप्शन है, और ये हो गया आपका कलर पैलेट। इसमें इस बात आपको ऑप्शंस बहुत बेतहाशा मिलेंगे। इसी तरह एला गर्ल की ये छोटी सी इस तरह की किट्स आती हैं, ये भी बहुत खूबसूरत, छोटी और अच्छे प्राइस में। उसके अलावा आई पैलेट है ये W7 का, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको बहुत सारे ऑप्शन कलर मिल जाते हैं। इसके ऊपर में मैंने ड्यूप वीडियो दिया था, बहुत अच्छा पैलेट है ये। इस तरह छोटे पैलेट्स में आपको निक्स के अंदर भी इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे, उसी के साथ साथ निक्स के अंदर इस तरह का ऑप्शन भी मिलेगा जिसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं आपके पास। इसी तरह रिवाज की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है आई पैलेट की। मेरे पास सिर्फ जो है ये वाला पैलेट जो है ये कलरफुल पैलेट है और सारा ग्लिटर वाला है, आपको दूसरा ऑप्शन भी इसमें आराम से मिल सकते हैं। मेकअप रेवोल्यूशन को मैं नहीं भूल सकती, उनके पैलेट बहुत ज़बरदस्त होते हैं और बहुत अच्छी प्राइस में मिलते हैं। उनका ये जो है थोड़ा सा अंडे की शेप में है, वो इसलिए मैंने आपको दिखाना चाहा कि इसमें हाईलाइटर भी हैं आपके पास और आई पैलेट भी हैं। इस तरह भी आप अपनी मनी सेव कर सकते हैं कि हाईलाइटर एंड आई पैलेट एक साथ हो। अब हम बात करेंगे आईब्रो की, तो आईब्रो शेप करने के लिए सबसे अच्छा पोमेड जो मुझे लगा, सबसे अच्छा पोमेड जो है वो ये मेकअप रेवोल्यूशन का है। उसके अलावा पेंसिल भी आती है, लेकिन बाज़ दफ़ा वो बहुत ड्राई हो जाती है, तो बिगनर्स के लिए मेरे ख्याल से पाउडर में हो या फिर इस तरह के पोमेड्स में हो तो वो अच्छा होता है। उसके अलावा पेंसिल भी अच्छी है, बहुत बारीक सी जो पेंसिल होती हैं वो ज़्यादा जल्दी खुश नहीं होती, उसमें ये जो है निक्स की पेंसिल है, मिक्रो ब्रो पेंसिल। और उसके अलावा इस तरह की भी पेंसिल्स आती हैं जिसके आगे ये ब्रश सा होता है, ऐसे ब्रश सा होता है, और ये है एसेंस की,
लेकिन मुझे जो है ये इतनी इजी नहीं लगती है, और इससे अक्सर जो है डार्क हो जाता है आपका आईब्रो का शेप जो है बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो पाउडर की तरफ जाएं, अगर आप उसके अंदर कोई भी कंपनी ले सकते हैं, सस्ती से सस्ती भी पाउडर होगा तो वो बहुत आसानी होगी, या इस तरह का होगा पोमेड तो वो बहुत आसानी से आप अपनी आईब्रो को शेप दे सकते हैं। अच्छा, अब जब लाइनर की बात करते हैं तो लाइनर में बेतहाशा लाइनर हैं जो कि मैं आपको कह सकती हूँ आप ये ले लें ये ले लें ये ले लें ड्रग स्टोर में, लेकिन बात ये नहीं है। मेरे पास लॉरियल का भी है, एसेंस का भी है, निक्स का भी है। ये अव्वल तो सबसे पहली बात कि अक्सर इस तरह की शेप में आते हैं, मार्कर शेप में, ये निक्स का है, और वो लगाना बिगनर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, और अक्सर जो है इस तरह के लाइनर्स फैल जाते हैं, बहुत कम होता है जो कि सटल रहे, एक ही जगह बैठे रहे और एक जड ब्लैक हो, जो कि आपको किसी भी ब्रांड में मिल सकता है। आपने ट्राई करना है, सबसे पहले ऐसा लेना है जिसके साथ आप अच्छे से लाइन कर सकें। ये जो पेन वाली शेप में होते हैं अक्सर जो है उनके साथ बहुत मुसीबत होती है जब आप बिगनर्स होते हैं लाइन करने में, तो पेन की तरफ तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी। आपको कहूंगी कि इस तरह का ये मेरा कीको का है लाइनर, बड़ा जबरदस्त है और बहुत अच्छे से जो है इसके साथ सेट हो जाती है, क्योंकि आप इसके साथ प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे सुरमे के अंदर हम प्रोडक्ट पाउडर लेते हैं और फिर लगाते हैं ना, तो इसके अंदर भी आपने लेनी है फिर आपने लाइन लगानी है, और ये हिलता नहीं है, फैलता नहीं है, और एक खूबसूरत जड ब्लैक जो हमें चाहिए होता है लाइनर के लिए वो है। ब्रांड की तरफ जाएं, आप ये चीज आपने देखनी है, और सबसे बड़ी चीज जो आपने देखनी है वो ये कि आपके हाथ से लगने में आपको आसानी हो रही हो, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। इसी तरह काफी सारी मेरे पास पेंसिल्स हैं, आई पेंसिल, काजल जो हो गया, उसमें मैं आपको कहूंगी कि निक्स का, अगर व्हाइट पेंसिल आपको चाहिए तो निक्स का जो रेफरेंस है वो जंबो पेंसिल का बहुत जबरदस्त है, उसी में बेतहाशा और भी कलर्स हैं। अगर उसी तरह का आपको रिजल्ट चाहिए तो उसी के अंदर कलर्स भी आपको मिलेंगे जंबो पेंसिल में, और जिस जंबो पेंसिल के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो ये है, वो ये जंबो पेंसिल है, शेड है मिल्क। और ब्लैक पेंसिल के लिए मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप किसी ब्रांड की तरफ जाएं, आपको लोकल ब्रांड में ही अच्छी सी ब्लैक पेंसिल मिल जाएगी। मेरे पास बल्कि एक थी जो कि बेनाम है, लेकिन इतनी अच्छी ब्लैक है कि बहुत खूबसूरत सा एक दफ़ा में लगाने में ही हमें वो ब्लैक कलर मिल जाता है जो हम चाह रहे होते हैं काजल के तौर पे। उसके अलावा आपके पास अगर ऑप्शन में आपको चाहिए तो निक्स बहुत अच्छा ऑप्शन है, निक्स की मेरे पास काफ़ी सारी तरीके की पेंसिल्स हैं वो, उसके अलावा रीमेल की बहुत अच्छी पेंसिल्स हैं जिसके अच्छा रिजल्ट है, और मेकअप रेवोल्यूशन है, और मिलानी की भी पेंसिल्स बहुत अच्छी हैं। ये मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, उसके अलावा अगर आपने बजट करनी है और अच्छा लेना है तो आपको लोकल में भी बहुत अच्छी मिल जाएंगी ब्लैक पेंसिल्स। मस्कारे के बारे में बात करेंगे तो बेतहाशा हैं जो आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। सबसे अच्छा जो आजकल मेरा चल रहा है वो ये रेवलॉन का है, अल्टिम ऑल इन वन बेस्ट मस्कारा है ये, बहुत अच्छी लैशेज हो जाती है इससे आपकी। ये दो जो हैं ये है मेबिलिन के, आजकल जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये वाटरप्रूफ है, ये वाटरप्रूफ, वाकई ये वाटरप्रूफ, पक्का वाटरप्रूफ है, हटता ही नहीं है। ये है सील सेंसेशनल, मैं सारे लिख दूंगी आपको ज़्यादा बेहतर होगा, और ये है द कोलोसेल गो एक्सट्रेम। और उसके अलावा दो तीन और हैं मेरे फेवरेट जो कि ख़त्म हो चुके हैं, मैंने लिए नहीं है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आपके पास वो ऑप्शन भी है मस्कारे के लिए। जब हम बात कर रहे हैं मस्कारे की तो फिर आप कहेंगे फेक लैशेस के बारे में आपने बात नहीं की, तो फेक लैशेस में मैं आपको कहूंगी किसी भी ब्रांड की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, आली एक्सप्रेस पे बेस्ट से बेस्ट लैशेस मिलती हैं। ये सबसे पहला जो ऑप्शन मैं आपको दूंगी वो इस तरह की लैशेस लेने का कहूंगी, देखें कोई भी ब्रांड नहीं, कुछ भी नहीं है, और ये बहुत 200-300 रुपए में आपको आसानी से मिल जाती है आली एक्सप्रेस के ऊपर। उसके अलावा इंडिविजुअल तौर पे आप अगर चाह रहे हैं, सिर्फ एक ही लेना चाह रहे हैं और एक ही को देखना चाह रहे हैं कि कैसी है, तो वो इस तरह की भी मिलती हैं, काफ़ी सारी हैं। फेक लैशेस आप लिखेंगे रिसर्च में जाके आली एक्सप्रेस की, और उसमें बेतहाशा निकलेंगी। आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है, रिव्यूज़ जाके लोगों के देखने हैं, जिसमें आपको 4.8-4.7 मिलेगा रिव्यू, वो बेस्ट हैं, तो आपने उसको देख के आपने ख़रीद लेनी है, बस ये हमने देखना होता है और कुछ भी नहीं। लास्ट में हम फिनिश करेंगे लिप पेंसिल और लिपस्टिक्स के साथ, तो मैं आपको ब्रांड बताऊंगी, एज सच एक एक करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप
चाह रहे हैं अच्छी लेना, तो आपके पास ऑप्शन है, वो है मेकअप रेवोल्यूशन, निक्स और मिलानी। ये जो है बेहतरीन आपको रिजल्ट देंगे और वर्थ बाइंग है एक तरह से कहा जाए। लास्ट में रह जाते हैं हमारी लिपस्टिक्स। तो लिपस्टिक्स है में जो है मैं आपको कहूंगी कि आप इस तरह के जंबो क्रियोन्स लें। ये है लॉरियल की मैट लिप क्रियोन, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई अभी कुछ दिन पहले ही, आप जाके चेक कर सकते हैं। इसी तरह सुपर स्टे मेबलिन की भी बहुत अच्छी है इस तरह की जंबो क्रियोन्स। सबसे अच्छी चीज जो है इन क्रियोन्स की वो ये कि हमें आसानी होती है लगाने में। उसके अलावा अगर आप क्लासिक की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो वो लॉरियल, मेबेलिन, नेक्स, रीमेल, ये सारी जो है आपको बेहतरीन लिपस्टिक ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएंगे। और लिप ग्लॉस की बात करें तो मैं आपको दो रेफरेंस दूंगी, एक तो मेकअप रेवोल्यूशन, दूसरा मेबेलिन की। ये दो जो है बड़ी जबरदस्त हैं, मैं लिख दूंगी आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा ताकि आपको आसानी से वो मिल सके। तो यहाँ खत्म होती है ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ मैंने कम्प्लीटली और अच्छे तरीके से आपको सब कुछ समझा दिया है। और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।